शनिवार को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे और यहां इस वक्त आप आमजन का जोश देख सकते हैं कि किस तरीके से इन पलों को मोबाइल में कैद करने की तो ललक दिखी ही, लेकिन साथ ही साथ जोश के साथ प्रधानमंत्री के नाम के नारे लगाते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। आप देख सकते हैं किस तरीके से फूल बरसाकर विशाखापट्टनम में प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया है। सड़क किनारे खड़े लोग जिन्होंने फूल बरसाकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। ये दृश्य आप सीधे देख रहे हैं विशाखापट्टनम से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं और विशाखापट्टनम में प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया गया पूरे जोश के साथ। जनता यहां मौजूद है जो प्रधानमंत्री का स्वागत कर रही है फूल बरसाकर, मोदी मोदी के नारे लगाकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशाखापट्टनम में, तो कल का दिन महत्वपूर्ण रहेगा जब प्रधानमंत्री के द्वारा दी जाएंगी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को विकास की कई सौगात। विकास को देश के कोने कोने तक पहुंचाने के संकल्प के साथ केंद्र सरकार काम कर रही है सभी राज्यों में। प्रधानमंत्री का प्रयास है कि विकास के अलग अलग आयाम पर काम हो और इसी दृष्टि से अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री का आज का कर्नाटक तमिलनाडु का दौरा और कल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का दौरा बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। और इससे पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशाखापट्टनम पहुंच गए, जहां जनता ने बड़ी तादाद में एकत्रित होकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। तो देश के प्रधान सेवक का विशाखापट्टनम में जोश खरोश के साथ जनता के द्वारा स्वागत। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता देश ही नहीं विदेशों तक फैली हुई है और देश में भी कोने कोने तक किस तरीके से आम जन अपने देश के इस प्रधान सेवक का स्वागत करने को आतुर रहता है, इसी के दृश्य, इसी का एक उदाहरण, इसी की एक वानगी जो इस वक्त हमें विशाखापट्टनम से इन दृश्यों के जरिए दिख रही है, जहाँ लोग मोबाइल में इन पलों को कैद करने के प्रयास के साथ साथ हाथ हिलाकर फूल बरसाकर प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को विकास की सौगात।